मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर ने भेजा 2,42,000 का बिल तो मुंब्रा बाईपास पर दिन दहाड़े हुई लूट। कोरोना के बीच टिड्डियों का हमला तो कहां हुआ आतंकियों का हमला। किसने किया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध, ये सब देखिए हमारे टॉप 5 में। टोरेंट पावर द्वारा भेजे जा रहे बिल से लोग काफ़ी परेशान है। इतना ज़्यादा बिल भेजा जा रहा है कि लोग परेशान और हैरान हैं। मुंब्रा एक्सप्रेस नाम से न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर चलाने वाले रफसान को बिजली का बिल टोरेंट ने भेजा है वो 2,42,030 रुपये का है। ये बिल 4 महीने का है। हालांकि 2,42,000 का बिल देखकर रफसान हैरान हो गए कि 4 माह का इतना बिल कैसे आ गया। महावितरण के वक्त भी रफसान का 30,000 रुपया बिल बकाया था और टोरेंट ने जो बिल भेजा है वो एवरेज बिल है। सुनिए इस पूरे मामले में रफसान ने क्या कहा है। जो बिल आया कितने महीने का बिल है ये? ये मेरा टोटल 4 महीने का बिल है भाई। अच्छा, यानी एमएसबी के टाइम का भी कुछ बिल का एमएसबी के टाइम पे मेरा पेंडिंग था 2-3 महीने का बिल। कितना था? 25,000 से 28,000 के बीच में अमाउंट था। अच्छा। और उसके ड्यू डेट के बाद में मैंने भरने के लिए गया तो वो बोले अभी टोरेंट को हम लोग दे रहे, तो बोले अभी नहीं टोरेंट आएगा जब आप भरना। उन लोग का हैंड ओवर देना बाकी था, मैंने हैंड ओवर की वजह से वेट किया और अभी मेरे को बिल नहीं आया। डायरेक्ट मेरे को आज जून में बिल आया है। क्या आपने इसके बारे में कोई ऑनलाइन शिकायत या कोई रिटर्न कंप्लेंट आपने किया था? रिटर्न कंप्लेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था तो टोरेंट में कुछ काफ़ी ज़्यादा लाइन होने के कारण, और मेरे को इस बिल का पूरा वेरिफिकेशन भी करना था कि कितना यूनिट लोग चार्ज कर रहे हैं, कितना किस हिसाब से लोगों को बिल भेजा जा रहा है। अब अगर मुमरा कौसा में 2,250 महीने का बिल अगर लोग भरेंगे 4 महीने का, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे घर में ही भिवंडी की लूम चला रहे। कमर्शियल में भी कह रहे कि एमएसबी के टाइम पे ही 25,000 से 30,000 बिल आया। जी बिल्कुल। तो अभी तक तो टोरेंट के तरफ से कोई रीडिंग लेने नहीं आया? कोई रीडिंग नहीं लेने आया। एवरेज बिल आपको जो है भेजा गया है टोरेंट के तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। कितना टोटल अमाउंट कितना है कन्फर्म बताइए? कन्फर्म अमाउंट है मेरा 2,42,030 रुपये, जिसमें से यूनिट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक ही महीने में 10,663 यूनिट, मतलब 2 साल में इंसान इतना यूनिट नहीं जलाता है बॉस। अगर आपके पास 2 फेस है तो भी आपका यूनिट 2 साल में 10,000 नहीं होगा। बिल बताइए, बिल की शोध कीजिए। मेरे घर में सिंगल फेस है, इसमें आप साफ मेंशन किया हुआ सिंगल फेस पे 10,000 यूनिट एक महीने में कैसा चलेगा। मैं टोरेंट वालों से ये पूछना चाहूंगा अगर भिवंडी की लूम भी है तो 10,000 यूनिट नहीं चलता है महीने का। मुंब्रा बाईपास पर आज दिन दहाड़े करीब 1 बजे के आसपास एक ट्रक चालक को 2 चोरों ने अपना शिकार बना लिया। ये दोनों चोर नाबालिग हैं और दहिसर मोरी ठाकुर पाड़ा के रहने वाले हैं। ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक के ऊपर रखा गैस सिलेंडर गिरने वाला था, इसलिए खड़ी मशीन रोड पर स्थित ट्रैफिक पुलिस चौकी के महज 100 मीटर की दूरी पर ये ट्रक रोक दिए और सहचालक ट्रक पर चढ़कर सिलेंडर सीधा करने लगा। इतनी देर में ये दोनों चोरों ने चाकू के नोक पर 40,000 रुपये की मोबाइल फ़ोन छीन लिए और भागने लगे। तभी सहचालक और ट्रक चालक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर कुछ लोग और हवलदार अनिल नारायण देसाई, ट्रैफिक वार्डन राकेश सदाशिव ने दोनों चोरों को दौड़ाकर पकड़ लिया और इनके पास से चाकू भी बरामद कर ली और मुंब्रा पुलिस को इन दोनों चोरों को सौंप दिया है। क्या हुआ था तुम्हारा? मैं जब गाड़ी लेके आ रहा था तो इधर खड़ा रहा था तो गैस निकल रहा था, कैबिन के नीचे से गैस निकल रहा था और मेरा मोबाइल लेके भागा। मैं इसके पीछे भागा तो मेरे को चाकू लगा दिया, गले पर लगा दिया, इसलिए छोड़ दिया तो पब्लिक ने आके इसे पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़ा? हाँ, दोनों लोगों को। क्या क्या लिए थे ये लोग? मोबाइल लिया था मेरा। मोबाइल खाली? हाँ, मोबाइल। कितने का था मोबाइल? मोबाइल 40,000 का। कौन सा मोबाइल? ये 1+2। क्या नाम है आपका? प्रवीण गणेश चौहान। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अभी मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। मुंबई से हैदराबाद। मोबाइल दिखाइए ना, कौन सा मोबाइल? कोरोना महामारी के बीच टिड्डियों का आतंक भी जारी है यूपी के कई शहरों में। आसमान में उड़ता ये टिड्डियों का दल दहशत फैला रखी है। तस्वीरें यूपी के बस्ती जिले की है जहां टिड्डियों ने किसानों के बीच आतंक फैला रखा है। जहां किसान अपनी फसल बचाने के लिए थाली टेन कनेस्टर बजाते हुए टिड्डियों को भगा रहे हैं, तो टिड्डियों के हमले से किसानों की फसल जैसे धान की नर्सरी, जोन्हरी, उर्द, हरी सब्जी, बाजरा, ये फसलें बर्बाद हो रही हैं। टिड्डियों का आतंक देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में बंदूकधारियों ने हमला कर दिया है। ये हमला 29 जून की सुबह 10 बजे हुआ है। हमलावरों ने ग्रेनेड से हमला किया।
पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है और भारी मात्रा में आतंकी गोला बारूद लेकर इस इमारत में घुसना चाह रहे थे, मगर पुलिस और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। प्रवेश द्वार पर तैनात कराची पुलिस के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए और 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का यूथ विंग और NSUI जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने की मांग की है। वहीं NSUI ने बाइक को पेड़ से रस्सी से बांधकर लटका दिया और विरोध जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने की मांग हो रही है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।